तो आज मैं यूज करने जा रही हूँ हीट प्रोटेक्शन हेयर मिक्स, जो कि आपके जो हेयर हैं उसको डैमेज होने से बचाता है। अगर आप हेयर को आयरनिंग करते हो या ब्लो ड्राई करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपको अपने ड्राई हेयर पे इवेनली स्प्रेड करना है, और उसके बाद अगर आप आयरनिंग करना चाहते हो या ब्लो ड्राई करना चाहते हो अपने हेयर को, इसको स्प्रेड करने के बाद इवेनली आप उसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने इसे बालों पे इवेनली स्प्रेड किया और मेक श्योर किया कि मेरे ये बालों पे अच्छे से स्प्रेड हो चुका है या नहीं। और मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो आई वॉन्ट टू नो द रिजल्ट कि रिजल्ट क्या आता है। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। और हाँ, मैंने बहुत लोगों से सुना है अगर आप हेयर आयरनिंग करते हो तो यू शुड यूज हीट प्रोटेक्शन फॉर योर हेयर, सो डैट आपका जो हेयर है वो डैमेज होने से बच सके। जब मैंने इस बॉटल को ओपन किया तो इसकी जो स्मेल आई ना, वो बहुत ही माइल्ड स्मेल थी, जो कि आपको बॉदर नहीं करेगा। बहुत लोगों को जो स्मेल से ना प्रॉब्लम होती है, मुझे पर्सनली स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं जो हार्ड स्मेल वाली चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही हार्ड स्मेल करती हैं, मैं वो चीज़ यूज करना अवॉइड करती हूँ। लेकिन इसका जो स्मेल था बहुत ही माइल्ड था, वो कोई भी यूज कर सकता है। जिसको स्मेल से प्रॉब्लम है वो भी ये यूज कर सकता है। जब मैंने इसे अपने हेयर पे अप्लाई किया तो बहुत ही मुझे लाइट वेट फील हुआ, और ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं कोई बहुत ही हैवी चीज़ हैवी लिक्विड अपने हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ। ऐसा लगा वो फास्टली डिसअपियर हुआ हेयर पे लगाते ही, तो ये चीज़ भी इसकी मुझे अच्छी लगी कि हेयर पे लगाते ही डिसअपियर हो गया, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने हेयर पे कुछ अप्लाई किया हुआ है, तो ये इसकी चीज़ मुझे अच्छी लगी। और बाकी रिजल्ट के लिए अभी देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। और मैं आयरनिंग करते करते थक चुकी हूँ, और मेरे फेस एक्सप्रेशन भी बहुत वियर्ड से बन रहे हैं क्योंकि मैं आयरनिंग करते करते थक चुकी थी, और मैं सोच रही थी जल्दी से फिनिश हो मेरी आयरनिंग और मैं रिजल्ट देखूँ। आयरनिंग करते करते बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस हो जाता है, क्योंकि गर्दन दुखने लगती है आयरनिंग करते करते। और मेरे बगल में हर्षल भी बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ बातें किए जा रहा था, मम्मा ऐसे मम्मा वैसे, और मैं यहाँ भी अपने आयरनिंग पे ध्यान दे रही थी, उसके बातों पे भी ध्यान दे रही थी, और मुझे समझ में रहा था मैं किधर ध्यान दूँ। तो ऐसा चलता रहता है, बीच बीच में कभी डांट भी खा जाता है। मेरी हेयर आयरनिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, और जब मैंने हीट प्रोटेक्शन के साथ अपनी आयरनिंग करी तो जो हेयर की जलने की जो स्मेल होती है वो नहीं आ रही थी, और विदाउट हीट प्रोटेक्शन जब मैं अपनी आयरनिंग करती हूँ तो जो हेयर की जलने की स्मेल होती है वो मुझे फील होती है, स्मेल आती है हेयर के जलने की। तो ये डिफरेंस मैंने फील किया विथ हेयर प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ मुझे ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी हेयर आयरनिंग करनी है तो आप कोई भी हीट प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सो डेट आपको नोटिफिकेशन आता रहे।